स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है अंग्रेजी का अक्षर टी का शमितीय चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, टी लकड़ी से बना है, काट 1 वर्ग सेंटीमीटर रखना है। अक्षर टी बनाना है मित्रों। सबसे पहले हमें करना क्या होता है इसमें, सबसे पहले आप एक आधार रेखा ऐसे खींच लेना, ऐसी एक आधार रेखा खींच लेना। आधार रेखा का कुछ भी नाम दे देना, जैसे नामकरण, इसलिए मित्रों क्योंकि रचना विधि लिखना अनिवार्य है, तो ए भी नामकरण दे दो। फिर पॉइंट सी से हमें समितीय रचना बनानी। पॉइंट सी पर आप चांदा रखो मित्रों, ऐसे सिधाई में चांदा रखो, 90 डिग्री सीधा देखो, 90 कहाँ पे है, 30 डिग्री दाएं साइड कहाँ है, 30 डिग्री बाएं साइड कहाँ है, ऐसे मिलान कर लो। फिर इस पॉइंट से 30 डिग्री झुकाव के साथ दायां, 30 डिग्री झुकाव के साथ बायां और 90 डिग्री झुकाव के साथ सीधे आपस को मिलान कर लो। इस टाइप से मिलान कर लिया। अब काम क्या करना है मित्रों, हमें अक्षर टी को लिखना है। किसको लिखना है, अक्षर टी को लिखना है, यानी अल्फाबेट टी को हमें लिखना है। और टी बहुत आसान भाषा से आप लिख सकते हैं मित्रों, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा काम करने की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ समझिएगा, टी को आप 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई में रखेंगे, लेकिन वो 4 सेंटीमीटर अलग अलग भागों में जाएगा। आप देखना, यहाँ पर मान लो आप टी इस पे लिखते, सीधे इसी पे लिख दो ऐसे, तो इस पे लिखने में टी को आपको थोड़ी सी असुविधाएं भी हो सकती हैं। लेकिन जब आप इस पे 1 सेंटीमीटर जाओगे, 1 सेंटीमीटर इस पे जाओ, फिर इसी के समानांतर 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लेना, फिर इस पे जाओ मित्रों 3 सेंटीमीटर, 1, 2 और 3, और इन्हें भी एक दूसरे से समानांतर रेखाओं में खींच लेना है। सीधे पटरी रखना और सीधे 7-7 सेंटीमीटर लंबी रेखा आपस में खींच लेना। खींच लिया आपने। अब आपका काम क्या है मित्रों, अब आपका मेन काम जो बचा है वो काम ये बचा है मित्रों कि इन दो रेखाओं के बीच में एक रेखा निकालो ऐसे जो 7 सेंटीमीटर लंबी हो। उसके बाद अब इसकी चौड़ान जो हमें देखनी है वो 4 सेंटीमीटर देखनी है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपस में मिलान करना है। मिलान हो गया, फिर क्या करेंगे? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसे करेंगे मित्रों। कैसे करेंगे? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा मित्रों। सबसे पहले हमें काम इस पे करना होगा, इस पे आगे चलेंगे, आगे चलने के बाद पुनः इसे आपस में मिलान करेंगे। हमारे यहाँ थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन देखने में दिक्कत हो गई, नहीं तो बहुत अच्छा बनता ये फिगर। अगर थोड़ा नीचे होता फिर ऐसे मिलान करना होता और ये वाला डाटा ऊपर मिलान करते। तो टी का एक हिस्सा तो ये हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरा हिस्सा हमें कहाँ मिलता? इधर आगे बढ़ाते 1 सेंटीमीटर और ऐसा मिलान करते तो दूसरा हिस्सा, और तीसरा हिस्सा हमें कहाँ दिखाई देता? इस पे आगे मिलाते तो ये वाला हमारा तीसरा हिस्सा दिखाई दे जाता। फिर हमारा जो अभीष्ट टी बनता वो ये वाला होता, ये वाला। लेकिन अब ये कुछ डिजिटली दिक्कत की वजह से बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप बनाएंगे पेपर पे तो बनेगा। ये वाला हिस्सा पहला वाला काट है 1 सेंटीमीटर वाला, ये वाला दूसरा काट है, और जो तीसरा काट हमें दिखाई दे रहा है वो ये वाला है, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। बात समझ में आई? प्रत्येक दशा में काट हमने 1 ही सेंटीमीटर रखने का प्रयास किया है, ये हमने दर्शाया है। अब नामकरण लिख करके और रचना विधि लिख देंगे तो 16 नंबर इस पर भी मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टी। फिर से दिखाएं तो फिर से आपको सबसे पहले आधार रेखा खींचनी, 30 डिग्री दाएं साइड, 30 डिग्री बाएं साइड, एक रेखा सीधे 90 डिग्री जो 9 जो है 7 सेंटीमीटर ऊंची होगी। फिर 3 सेंटीमीटर इस पर आगे बढ़ेंगे मित्रों, 3 सेंटीमीटर इस पर 3 समानांतर रेखाएँ ऐसे खींच लेंगे ऐसे, और 1 सेंटीमीटर इस पे आगे बढ़ेंगे, 1 समानांतर रेखा इधर खींच लेंगे। फिर काम क्या करना होगा, हमें मिड पॉइंट देखना होगा। इसका मिड पॉइंट देखेंगे और इस पर हम 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा ऐसे खींच लेंगे। फिर 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचने के बाद ऐसा अपना काम कर लेंगे। कैसा अपना काम कर लेंगे? ऐसा अपना काम कर लेंगे। और ऐसा काम करने के बाद मित्रों हमें क्या करना है, सीधे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद हमें इस पर भी मिलान करना होगा, ऐसी रेखाओं को आपस में मिलान करना होगा। ये डिजिटली है इसलिए थोड़ी दिक्कत है। आज हालांकि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी लेकिन नहीं हो पाई अच्छे ढंग से। नहीं, बहुत अच्छा आपका डिजिटल क्लास रिकॉर्ड नहीं होता, ये आपका वास्तविक क्लास रिकॉर्ड हो जाता, लेकिन कुछ टेक्निकल इशूज की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। और फिर 1 सेंटीमीटर इधर आएंगे,
आगे मिलान करेंगे, 1 सेंटीमीटर इधर आएंगे तो आगे मिलान करेंगे, और यही हमारा फिर अभीष्ट टी बन करके तैयार होगा, जो इस टाइप से दिखाई दे रहा है। इस टाइप से आपके कार्ड दिखाई दे रहे हैं और ये हमारा अभीष्ट टी है, आप देख रहे हैं, और यही हमारा टी लकड़ी का दिखाई दे रहा होगा, और जिसका कार्ड प्रत्येक दशा में 1 ही सेंटीमीटर है। हाइट हमने ओवरऑल ये 7 सेंटीमीटर रखी है, और जो ये चौड़ान दिखाई दे रही है ये हमने 4 सेंटीमीटर रखी है, जैसा प्रश्न में कहा गया है, और यही हमारा अभीष्ट टी होगा जो हमारा सम्मितीय चित्र है। ये तो एक रचना हुई, टी की बात हुई, उम्मीद है ऐसी रचना विधि आप लिखेंगे। तो ये तो एक पॉइंट हुआ, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4.5 सेंटीमीटर किनारे के वर्ग समपार्श्व जिसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है क्षैतिज समतल पर खड़ा है, समपार्श्व का सम्मितीय चित्र बनाओ। मित्रों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कितनी बार छपा हुआ है, आगे लिखा हुआ है। तो हमें पहले एक 4.5 सेंटीमीटर किनारे वाला एक वर्गाकार समपार्श्व बनाना है, तो पहले आप एक वर्ग बनाओ बढ़िया सा। मित्रों वर्ग कैसे बनाओगे, सबसे पहले आधार रेखा खींचोगे, फिर 30 डिग्री दाएं साइड 30 डिग्री बाएं साइड ऐसे झुकान लेना पड़ेगा, 30 डिग्री दाएं 30 डिग्री बाएं के बाद फिर आपको 90 डिग्री भी देखना पड़ेगा, और उसके बाद काम क्या करना है, उसके बाद काम वही करना। मित्रों इसमें कहा गया है 6 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 4.5 सेंटीमीटर किनारा है, तो जो हमें किनारा लेना होगा इस पर हम 4.5 सेंटीमीटर जाएंगे, 4.5 इस पर जाएंगे, ये ऊंचाई जो हमें रखनी है ये कितनी रखनी है, 6 सेंटीमीटर रखनी है, जो ये वाली ऊंचाई रखनी है ये हमें 6 सेंटीमीटर रखनी है। फिर इसके समानांतर इधर रेखा खींचेंगे, इसके समानांतर इधर रेखा खींचेंगे, और इन्हें आपस में ऐसा मिलान कर देंगे, इन्हें आपस में ऐसा मिलान कर देंगे। लेकिन अब ऊपर वाला पॉइंट आप ढूंढ रहे होंगे कहाँ पे है, तो बीच की दूरी फिर से आपको ऐसे डाटा डाटा देखनी पड़ेगी, और वो बीच की दूरी पुनः कितनी होगी मित्रों, तो आप जानते हैं कि वो डायगनल वाला होगा और वो हिस्सा ऐसे अदृश्य रहेगा, और इस टाइप से आपका ये फिगर बढ़ेगा जो आपका समपार्श्व होगा, और 30 डिग्री झुकाव के साथ होगा, हाइट 6 सेंटीमीटर होगी, भुजाओं की बात जो हो रही है ये तो आपका 6 सेंटीमीटर है लेकिन ये भुजाएं आपकी 4.5 सेंटीमीटर हमने रखा है, और यही हमारा अभीष्ट क्या है मित्रों, वर्गाकार समपार्श्व है। नामकरण कर लो ऐसे ए बी सी डी डाल के, फिर रचना विधि लिख लो, ए बी फिर सी फिर ये वाला डी फिर ये वाला ई फिर ये वाला एफ लिख लो, एफ के बाद इसे जी कर दो तो इसे एच कर दो, एच कर दो तो इसे आई कर दो, तो इसे जे कर दो, जे कर दो तो फिर इसे ऊपर वाले को के नाम दे दो, के नाम दे दो। अब रचना विधि लिख लो, सबसे पहले हमने एक ए बी आधार रेखा खींची, उस पर बिंदु सी, सी पर 30 डिग्री दाहिने और 30 डिग्री बाएं दो रेखाएं खींची, जो सी डी है वो हमारा 30 डिग्री झुकाव के साथ है, सी डी पर हम 4.5 सेंटीमीटर आगे जाने पे जी पॉइंट पे मिलते हैं, और सी ई भी 30 डिग्री झुकाव के साथ है, उस पे हमें आगे जाने पे 4.5 सेंटीमीटर आगे जाने पे आई पॉइंट मिलता है। फिर बिंदु सी से लंब रेखा जो 6 सेंटीमीटर ऊँची है और सी एफ को हमने खींचा, सी एफ के समानांतर हमने एक रेखा जी एच खींचा, ये वाला जी एच है हमारा, और सी एफ के ही समानांतर एक रेखा आई और जेल खींचा, आई एल खींचा। उसके बाद काम हमने क्या किया है, हमने सी जी, सी जी के समानांतर हमने एफ एच रेखा खींची और आई सी के समानांतर हमने एफ एल रेखा खींची, जिससे हमारे समपार्श्व के 2 पॉइंट्स तैयार हो गए। फिर हमारी जो आगे की रणनीति रही मित्रों, वो F और H के समानांतर हमने एक रेखा खींची जिसका नाम K और L रहा, जबकि हमने F और L के समानांतर एक रेखा K और H खींची जिसका नाम KH रहा, और इस टाइप से हमारा एक समपार्श्व तैयार हुआ जो पूर्ण रूपेण वर्गाकार है और जिसके बीच की दूरी यानी ऊँचाई 6 सेंटीमीटर है, यही हमारा अभीष्ट समपार्श्व होगा। इतना लिखिएगा, 16 नंबर आपकी झोली में आएगा, लेकिन जब ये फिगर बढ़िया साफ बनाएंगे तब।
एक बार रफली और फिगर आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आधार रेखा खींचना, 30 डिग्री दाएं 30 डिग्री बाएं झुकाव लेना, 6 सेंटीमीटर बीच में चले जाना। फिर काम क्या करना मित्रों, फिर आपको 4.5 सेंटीमीटर इस पे आना है, 4.5 इस पे आइएगा, 4.5 इस पे भी जाइएगा, 4.5 इस पे, 4.5 इस पे। उसके बाद काम क्या करना है, उसके बाद काम वही करना मित्रों जैसा आप यहाँ करते हैं। इस पे भी 4.5 सेंटीमीटर आगे चलिएगा, आपस में ऐसे मिलान करिएगा, 4.5 सेंटीमीटर इस पे भी आगे चलिएगा, ऐसे मिलान करिएगा। फिर ये डायगोनल थोड़ा सा देख लेना, उसके बाद आपस में ऐसे मिलान करके और अपना समपार्श्व का आकार बना लेना, जो हमारा अभीष्ट समपार्श्व होगा। और जिसकी भुजाएं ये 6 सेंटीमीटर, लेकिन ये 4.5 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर, ये हमारी 4.5 सेंटीमीटर है। बस यही हमारा अभीष्ट समपार्श्व है। दिखाई दे गया? नहीं दिखाई दे रहा है तो कुछ लोगों के लिए ये अंदर वाला दृश्य भी बना देते हैं। जैसे आप इसके अंदर भी जाओगे ना, तो ऐसे 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 एक डॉटेड लाइन बना सकते हो, ऐसे 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 ये। तो यही हमारा अभीष्ट समपार्श्व है, जो देखने में साफ साफ आपको हूबहू सेम सेम वैसा ही दिखाई दे रहा है। समझ में आई बात? दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया, ये पेन पेपर पे करोगे, 4-5 बार करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज मैं पेन पेपर पे क्लास रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि बहुत टाइम भी लग गया और वो बार बार हिल जा रहा था और रेजुलेशन बहुत फुल करके देखना पड़ रहा था, इसलिए उसे अपलोड नहीं किया। कल दिन में चाहते हैं कि जो है सूर्य के प्रकाश में अपलोड किया जाए, तो बहुत अच्छा क्लास हो रहेगा। ये क्लास, ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है, एक अंग्रेजी छापे की लकड़ी के बने अक्षर एल एल का सममितीय क्षेत्र बनाओ, जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, वर्ग का काट 1 सेंटीमीटर है। फिर वही काम करना है, एल 7 सेंटीमीटर ऊंचा बनाना है, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई हो, काट 1 सेंटीमीटर हो। आओ बना देते हैं मित्रों, कैसे बनाएंगे। फिर हमें वही काम करना, सबसे पहले हमें एक आधार रेखा खींच लेनी, थोड़ा नीचे खींचते हैं। सबसे पहले हमने एक आधार रेखा ऐसे खींच लेनी है। आधार रेखा पे कोई पॉइंट लेना है, 30 डिग्री दाएं साइड, 30 डिग्री बाएं साइड और 90 डिग्री झुकाव के साथ सीधा लंब रेखा खींच लेना, जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर रखना। अब काम क्या करना है, अब काम ये करना, हमें यल बनाना है। यल का एक ही फलक होता है, इस पे हमें 4 सेंटीमीटर जाना, ये ज़्यादा चले गए, इस पे हमें 4 सेंटीमीटर जाना है। और मित्रों 4 सेंटीमीटर का काट लेकर के अपना काम करना है, और इस पर 1 सेंटीमीटर जाना है, इस पर 1 सेंटीमीटर, उस पर 4 सेंटीमीटर, ऐसे समानांतर रेखा खींच लेंगे मित्रों। और इस पर भी आपको समानांतर रेखा ही खींचनी है, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे करके उसके बाद खींचनी है ऐसे, और फिर आपस में इन्हें मिलान करना है। और मिलान करने के बाद जो आपका अभीष्ट काट तैयार होगा वो इस टाइप से तैयार होगा, और यही आपका जो है वो अभीष्ट यल होगा, जिसका ये चौड़ाई 4 सेंटीमीटर आपने रखा, ये काट एरिया 1 सेंटीमीटर रखा, चाहे वहाँ लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, हर जगह हमने 1 सेंटीमीटर रखने का प्रयास किया है, और यही हमारा अभीष्ट अक्षर यल है। अगर इसे लकड़ी में कहा है, पेंसिल उठाइएगा, तिरछा करके इस पर ऐसे 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 लाइनिंग कर दीजिएगा, और इस पर भी कर दीजिएगा, तो जिससे देखने में बढ़िया लगेगा कि यही हमारा अक्षर एल है, जो हमारा काट 1 सेंटीमीटर दर्शा रहा है और बढ़िया से हमने बना दिया है। तो इतना कर लेंगे तो देखने में लगेगा कि ये लकड़ी वाला है, नहीं तो ऐसे लगेगा कि हाँ खाली वाला है। जैसा भी चाहो आप बना सकते हो, कुल मिला के बनाने में कोई ज़्यादा दुविधा नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे ये लाइनिंग आप क्यों नहीं करवाते, लाइनिंग भी आप कर सकते हो, जैसा आप उचित समझो वैसा आप बना सकते हो। हम कभी ये नहीं कहते ये वाला पॉइंट आपको करना ही है, आप चाहो तो इसमें लाइनिंग करके ही बना सकते हो जैसे हम चाहें। तो हम आपसे कहें इस पे 4 सेंटीमीटर गए, फिर ये वाली रेखा भी 4 सेंटीमीटर खींचो, फिर जैसे हमने ये पहला वाला पॉइंट्स लिया था 7 सेंटीमीटर, फिर प्रत्येक एक एक सेंटीमीटर पे समानांतर रेखाएं ऐसे खींच करके फिर इन्हें 4 खंडों में बांटो, फिर मिलान करो आप। और जब ऐसा करोगे तो फिर आगे का 4 अक्षर आपका देखने को मिल जाएगा कि इस टाइप से हमारा 4 अक्षर दिखाई दे रहा है, और प्रत्येक पे ऐसा ही काम हो रहा है ऐसा, फिर प्रत्येक में ऐसा 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 आप काम करेंगे, फिर दिखाई देगा, फिर उसमें आप लाइनिंग भरेंगे। तो जैसा आप चाहो वैसा बना सकते हो, फिलहाल हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होती है, हम सदैव उसी काम करते हैं जिस पे आप लोग करना चाहते हैं।
ठीक है, अभीष्ट अक्षर तो हमारा यही होगा जैसे हम लोग बनाए हैं, उसमें कोई बदलाव आ नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों की सोच बदल जाती है, तो भाई सोच बदलने के लिए हम भी आपके साथ हैं। आप ऐसा बनाना चाहो ऐसा बना सकते हो, पटरी प्रकार से जब बढ़िया से पटरी और पेंसिल लेकर के बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा। चांदा पटरी पेंसिल हर किसी के पास होना ही चाहिए, तो इस टाइप से बनाओगे तो बढ़िया अक्षर बनेगा। अब ये थोड़ा सा ये हमारा लंबा हो गया, इतना लंबा नहीं होना चाहिए था, ये 4 सेंटीमीटर नहीं लग रहा है लेकिन ये 6 सेंटीमीटर लग रहा है। तो ये पटरी पेंसिल से बनाओगे तो सेम रेशियो में रहेगा और बढ़िया बनेगा, तो बना सकते हो। ठीक है, इसकी भी रचना विधि वैसे सेम लिखना है। सबसे पहले हमने ए बी एक रेखा खींची जिस पे बिंदु सी से हमें एक जो है सममितीय चित्र बनाना रहा, जिसका अक्षर एल हमें बनाना है। सी से सी डी और सी ई जो 30 डिग्री झुकाव के साथ हैं, सी डी ई, ई के बाद एफ, हमने सी एफ को जो है 90 डिग्री झुकाव के साथ 7 सेंटीमीटर ऊंचा रेखा खींचा, और सी एफ के बाद हमने क्या किया है, फिर हमें दाहिने साइड जाना है 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर गए हैं, बाएं साइड 1 सेंटीमीटर गए हैं, तो फिर नामकरण करो मित्रों, एफ के बाद इसको जी कर दो, इसको एच कर दो, इसको आई कर दो, इसको जे कर दो, इसको के कर दो, इसको एल कर दो, इसको एम कर दो, इसको एन कर दो, एन और इसको ओ कर दो, फिर रचना विधि लिखो, आराम से लिख जाएगा। ठीक है, कि सबसे पहले हमने एक आधार रेखा ए बी खींची जिस पे बिंदु सी से हमें एक अक्षर एल का सममितीय चित्र बनाना है। सबसे पहले हमने सी डी जो 30 डिग्री झुकाव के साथ है और सी ई जो 30 डिग्री झुकाव के साथ है, इन दोनों रेखाओं को खींचा। उसके बाद सी डी पे 4 सेंटीमीटर और सी ई पे 1 सेंटीमीटर जाने के बाद क्रमशः बिंदु सी आई और सी जे प्राप्त हुए। सी आई, सी आई को 4 खंडों में हमने 1-1 सेंटीमीटर में पुनः डिवाइड किया, और सी जी जो हमारा 1 सेंटीमीटर का है उस पे सी एफ के समानांतर हमने सी और ओ रेखा खींची। ये सी ओ रेखा हमने खींच दी, जीओ रेखा खींच दी और उसके बाद हम आगे चले और सी डी पे सी आई 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची जो सी डी के समानांतर ही है, और उसके बाद हमने सी आई के समानांतर ही 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ने पे सी आई के बाद जे, या जे हमने बताया था जे है, तो आई जे जो कि सी एफ के समानांतर है उसको खींचा और फिर आपस में मिलान किया। देन जे से के पास आपस में मिलान किया जो कि सी डी के समानांतर है, और ऐसे ही आगे बढ़ने पर हमने जो अभीष्ट रचना तैयार की वही हमारा अभीष्ट अच्छा रियल होगा जो सममितीय चित्र में दिखाई दे रहा और लकड़ी छापा में दिखाई दे रहा। तो इतना लिखने पे मित्रों आपको 16 नंबर एग्जामिनर जरूर देगा, लेकिन जब साफ सफाई विशेष ध्यान देंगे तब देगा, तो साफ सफाई विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। ठीक है, आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे भी करते हैं। एक बेलन का व्यास 4 सेंटीमीटर, अक्ष 7 सेंटीमीटर है, इसका सममितीय चित्र बनाइए जबकि यह अक्ष पे ऊर्ध्वाधर में स्थित है। ऊर्ध्वाधर और समतल तो आप जानते ही हैं, तो ऊर्ध्वाधर में स्थित है यानी ऐसे खड़ा हुआ है। मित्रों बहुत अच्छा है, आराम से आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वही काम फिर से करना है, क्षैतिज रेखा खींचना, 30 डिग्री दाएं 30 डिग्री बाएं ले लेना है, ले लिए ना। अब आपको काम क्या करना है, अब आपको काम क्या करना है, 4 सेंटीमीटर व्यास का एक बढ़िया सा हमें क्या बनाना है, 4 सेंटीमीटर व्यास मतलब ऐसी उचित दूरी बनाओ मित्रों जिसका जो है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो, और एक बहुत बढ़िया ऐसे वृत्त बन जाए, ऐसे वृत्त बन जाए। ये वृत्त आपने बना लिया, और वृत्त बनाने के बाद इसकी दूरी जो है 7 सेंटीमीटर रखनी है। तो हमें अब काम क्या करना है मित्रों, इसके केंद्र से जो है वो 7 सेंटीमीटर आगे जाना है, और 7 सेंटीमीटर आगे जाने के बाद पुनः ऐसा वृत्त वहाँ ऊपर भी बनाना है, बना लेना है। त्रिज्या कितनी रखनी है, 2 सेंटीमीटर रखनी, जैसे यहाँ पर आपने 2 सेंटीमीटर त्रिज्या रखी है ऊपर भी 2 सेंटीमीटर रखिएगा। ठीक है, इसमें व्यास 4 सेंटीमीटर का है तो व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, इसलिए इसे हम 2 सेंटीमीटर रखेंगे। व्यास ये पूरा हो गया तो 4 सेंटीमीटर हो गया। अब इन्हें प्रत्येक पॉइंट से ऐसे आपस में मिलान कर देंगे और इससे हमारा कंफर्म हो जाएगा कि यही हमारा अभीष्ट क्या है मित्रों, 4 सेंटीमीटर व्यास वाला बेलन है मित्रों, जिसका अक्ष 7 सेंटीमीटर दूरी पर है और जो सममितीय चित्र में इस टाइप से दिखाई दे रहा है। बस इतना करना है, फिर रचना विधि लिखना है। रचना विधि में खूब लंबा चौड़ा नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ की रचना विधि जटिल होगी, प्रत्येक पॉइंट पे नामकरण करके फिर नाम लिखना होगा, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन हाँ कर ले जाओगे आसानी से। इसीलिए मैं कहता हूँ इसकी अपेक्षा
इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिखना आसान है, चाहे ए हो, चाहे एल हो, चाहे के हो, चाहे एन हो, चाहे टी हो, चाहे चाहे आई हो, कोई भी अक्षर हो, ये करना थोड़ा आसान होता है। चाहे एच हो, एच भी आता है, एच हो, तो ये सब करना थोड़ा आसान होता है इनकी अपेक्षा। ठीक है, रचना विधि लिखना बढ़िया से समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे, एक अक्षर आ ही गया, आप देख सकते हैं अंग्रेजी का अक्षर है मित्रों, अक्षर एच। इसका सममितीय चित्र बनाइए, अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, अक्षर की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, काटे 1 वर्ग सेंटीमीटर। ज्यादातर मामले में मित्रों यही रहता है और इसी को दर्शाना होता है आपको, तो ये परीक्षा हाल में भी ऐसे दर्शाना पड़ता है। अब अक्षर यल को भी, यच को भी कैसे बनाओगे, वैसे ही बनाओगे। सबसे पहले हमने एक क्या क्षैतिज समतल रेखा ऐसे खींच ली, और क्षैतिज समतल रेखा आराम से ऐसे खींचा, उस पर कोई पॉइंट लिया, वहाँ से हमें ये काम करना है, यच बनाना है। अब फिर दोनों साइडों में हमें क्या जाना है, आप जानते हैं 4 सेंटीमीटर में यच बनाना है, तो इस पर 4 सेंटीमीटर आएंगे और 1 सेंटीमीटर इधर चौड़ान में ले लेंगे। फिर हाइट जो हमें कहा गया है, कितना सेंटीमीटर कहा गया है मित्रों, हाइट हमें कहा गया है 7 सेंटीमीटर, ऐसे 7 सेंटीमीटर ले लेंगे, ले लिया ना। अब प्रत्येक दशा में 7 ही सेंटीमीटर लेना, इस पे भी 7 ही सेंटीमीटर लेना, और आगे बढ़ना तो उस पे भी 7 ही सेंटीमीटर लेना, जो ये मैक्सिमम वाला रहे, इस पे भी आपको वही काम करना होगा। तो एच लिखने में तो थोड़ा आसान होता है मित्रों, लेकिन दिखाने में थोड़ा जटिल होता है, ऐसा दिखाना पड़ता है आप जानते होंगे, और इन्हें दर्शाने के लिए तो थोड़ी जटिलता रहती ही है, इन्हें दर्शाने के लिए थोड़ी जटिलता तो रहती ही है, लेकिन दर्शाया जा सकता है, कोई इतना भी जटिल नहीं। ऐसे फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो इस टाइप से ऐसा खंड आ जाता है, और ऐसे खंडों में आपका ये वाला खंड आ जाएगा, फिर ये वाला खंड आ जाएगा, फिर आपका ये वाला खंड आ जाएगा, और फिर ये वाला खंड आ जाएगा, तो फिर आपका एच का ये वाला खंड भी आ जाएगा। तो इस टाइप से एच आप कंप्लीट बनाएंगे, और यही आपका एच का अभीष्ट रचना खंड होगा, जो आपको इस टाइप से दर्शा रहा होगा। हालांकि ये वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा ऊंचा हो गया, ऊपर वाला थोड़ा कम नीचा हो गया, तो ये ध्यान देना है, ऊंचाई सेम रखनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 ऊपर 3 नीचे 6, बीच में एक पॉइंट ले लेना है, उसी में अपना ये वाला हिस्सा रख लेना है, बस हो जाएगा। फिर से बना के दिखा देते हैं, ऐसा ऐसा, फिर इस पे चलेंगे 4 सेंटीमीटर, तो आप जानते ही हैं कि ये वाला भाग यहाँ गया है, फिर ये वाला भाग ऐसा 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 आया है, ये वाला भाग बाहरी वाला है तो ऐसा मिल जाता है, जबकि अंदर वाले भाग पे थोड़ी दुविधाएं होती हैं, ये फिर ऐसा, देन आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए मिलाना पड़ता है, शॉर्ट टर्म में कोई काम नहीं होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसा और ऐसा आने के बाद ऐसा मिलान करना होता है, लेकिन झुकाव के साथ आपको बराबर दूरियां रखनी पड़ती हैं मित्रों, दूरियां आपको सेम रखनी पड़ेंगी ही, उसमें कोई इफ बट नहीं चलेगा। तो इस टाइप से आपको ये वाला डाटा आपस में मिलान करके और बढ़ाना ही पड़ेगा, तो यच आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसका काट प्रत्येक दशा में हमने 1 रखने का प्रयास किया है, ओवरऑल हाइट हमने 7 सेंटीमीटर रखने का प्रयास किया, और जो ये चौड़ाई है ये हमने 4 सेंटीमीटर रखने का प्रयास किया, जो हमारा अभीष्ट क्या है, सममितीय चित्र है अक्षर एच का। बात समझ में आई, उम्मीद है समझ में आई होगी। अब नामकरण कर लेना, ऐसे ए बी जितने पॉइंट्स हैं वहाँ नाम लिख लो, ए बी, इसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद ये वाला एफ रख लो, एफ के बाद इसे जी करो, इसे एच करो, इसे आई करो, आई, फिर इसे जे करो, फिर इसे के करो, फिर इसे एल करो, फिर इसे एम करो, फिर इसे एन करो, फिर इसे ओ करो, फिर इसे पी करो, फिर इसे क्यू करो, फिर इसे आर करो, फिर इसे एस करो, फिर इसे टी करो, फिर इसे यू करो, फिर इसे वी करो, जो भी आया
हर एक पॉइंट्स पे लिखना पड़ेगा, फिर रचना विधि लिखनी पड़ेगी जो जिसके समानांतर, जैसे ये इसके समानांतर तो इसको लिखना पड़ेगा, ये इसके समानांतर तो इससे कंपेयर करके लिखना पड़ेगा, ये इसके समानांतर तो इसके समानांतर लिखना पड़ेगा, और फिर नामकरण करते हुए आगे बढ़ेंगे और यही हमारा अभीष्ट सम्मितीय चित्र होगा, इतना लिखना पड़ेगा, 16 नंबर आपका हो जाएगा। लेकिन जब ये वाला फिगर बनाएंगे, फिगर बनाना कंपलसरी है मित्रों, साफ सफाई भी बनाइएगा, कल दिन में प्रयास करेंगे इस पर एक मैराथन क्लास भी लाएँ और जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो सके। तो ये तो आपका अंग्रेजी का अक्षर एच हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं अक्षर आई का है नहीं कराया गया, अक्षर आई भी करवा देते हैं। देख लो, पहला दूसरा तीसरा स्टेप, इस पर एक सेंटीमीटर लिया, अक्षर आई के लिए 7 सेंटीमीटर ऊंचान, 7 सेंटीमीटर ऊंचान ले लिया, दाहिने साइड चलेंगे 1 सेंटीमीटर ऐसा, बाएं साइड चलेंगे 1 सेंटीमीटर ऐसा, फिर आपस में ऐसे मिलान करेंगे, काट लगा देंगे, ऐसा मिलान कर देंगे, यही हमारा अक्षर आई हो गया। अक्षर आई तो बहुत आसान है, ए लिखना भी बहुत आसान है, ए के लिए बहुत सारे लोग दिक्कत में लेते हैं, लेकिन ए यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है इस टाइप से, ठीक मित्रों, ए यहाँ पे सदैव ऐसा लिखा जाता है, वो वाला ए नहीं चलता, ये घुमाव वाला, ठीक है, इस टाइप वाला ए नहीं चलता है, ऐसा ये लिखा जाता है, आराम से लिख जाता है, फिलहाल वैसा भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा आप अपने आप को कंफर्टेबल समझें वैसा लिख सकते हैं, ठीक। तो सेक्शन आई भी हो गया आपका। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक सम है यानी समान है, षटभुजाकार प्रिज्म है, उसका सममितीय चित्र बनाना है, जिसका आधार क्षैतिज समतल पे खड़ा है, इसके आधार की भुजा 3 सेंटीमीटर और अक्ष 6 सेंटीमीटर रखा गया है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सममितीय रचना हो सब बन जाएगी ऐसे आराम से। सबसे पहले आपको आधार रेखा ना सीधी खींच लेनी है, आधार रेखा सबसे पहले हमने सीधी खींच ली, फिर पॉइंट ले लिया, पॉइंट पे 30 डिग्री दाएं 30 डिग्री बाएं तुरंत चलना है मित्रों, उसमें बिना रुकावट के चलना होता है, और फिर हमें काम का करना होता है षटभुजाकार सम। अब मित्रों षटभुज का हमें एक निर्माण करना होगा, षटभुज आप जानते हैं 6 भुजाओं का होता है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा और 6 भुजा, तो इस टाइप से षटभुज हमने बना लिया, सम षटभुज है यानी बराबर है, भुजा 3-3 सेंटीमीटर है तो ये 3-3 सेंटीमीटर ही रखा। अब हमें अक्ष की दूरी रखनी है मित्रों, कितना कहा गया है, अक्ष की दूरी हमसे कहा गया 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर लंबी रेखाएं खींच लेनी, 6-6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच करके हमें आगे भी एक षटभुज का निर्माण करना है, बस और कुछ नहीं करना, ऐसे चलेंगे, आपस में मिलान करना है, फिर ऊपर मिलान करेंगे, बढ़िया से बन जाएगा हमारा षटभुज बन जाएगा मित्रों। जैसे हम ये वाला मिलान कर दिए, अब ये वाला मिलान करने के बाद ये वाला पॉइंट मिलान करना है, देन हमें ये वाला पॉइंट मिलान करना है, उसके बाद आगे चलेंगे, तो आगे चलेंगे मित्रों तो हमारा ये वाला पॉइंट मिलान होगा, फिर ये वाला पॉइंट मिलान होगा, और फिर आगे चलेंगे तो ये वाला पॉइंट मिलान होगा इस टाइप से, तो यही हमारा षटभुज बनेगा, जिसकी लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर हमने ये रखी 6 सेंटीमीटर, भुजा ये हमने 3-3 सेंटीमीटर रखा, चाहे ये हो 3-3 सेंटीमीटर, और आपने देखा कि नीचे वाले में भी 3 ही सेंटीमीटर का हमने षटभुज का भुजा रखा था। ऐसा दृश्य बनाएंगे और ऐसा दृश्य बना करके फाइनली हम लोग अपने इस षटभुजाकार प्रिज्म का सममितीय रचना मेंटेन किए हैं। दिखाई दे रहा है रचना, देख रहे हैं सेम ऐसा लग रहा है, इसे जब पेंसिल और पटरी से करिएगा तो बहुत साफ आएगा मित्रों, बहुत साफ आएगा। कल डिजिटल बोर्ड पे ही क्लास कराते हैं, इस पे पेन पेपर पे अच्छे से हो नहीं पा रहा है, देखते हैं अगर पेन पेपर पे होता है तो वो भी करवाते हैं, नहीं तो डिजिटल बोर्ड पे एक बढ़िया सा एक मैराथन करवाते हैं, ठीक है, तो टेंशन ना लेना। तो ये षटभुजाकार प्रिज्म का सममितीय चित्र हमने बनाया जो आपके सामने है, और इसका रचना विधि वही फिर से नामकरण करके लिखना होगा, ए बी सी डी ई, फिर एफ, आगे आएंगे एफ जी एच आई जे के एल यम यन, सबको लिखना पड़ेगा, फिर रचना विधि बोलना पड़ेगा अच्छे से, तो ये लिखना बहुत कंपलसरी है मित्रों, ठीक है, रचना विधि से ही कंफर्म होगा कि एग्जामिनर जान पाएगा कि आपने किया क्या है, नहीं तो क्या पता कि आपने कहाँ कहाँ से लेकर आए कि नहीं है, ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखना मित्रों।
मित्रों याद रखिएगा, हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से ही है, किसी के नज़रिए से नहीं है। तो अगर आप कर्म कर रहे हैं बढ़िया